फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? सो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम मतलब मॉर्निंग शुरुआत होती है टिफ़िन बनाने से और ब्रेकफास्ट बनाने से। तो आ गई हूँ मैं किचन और आज मैं इसको सैंडविच देने वाली हूँ। तो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पर पनीर का जो स्क्वायर आकार में कट कर लिया है और इसको मैंने हल्का से घी देते हुए इसको अच्छे से सेंक ली हूँ दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक। और इसको ये सीख चुका था तो इतना ही मुझे चाहिए था तो इसको निकाल लिया है। और निकालने के बाद यहाँ मैं ब्रेड को निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं और ब्राउन ब्रेड के ऊपर मैंने डाला है पनीर स्लाइस और उसके बाद मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं जो कुटा हुआ मैंने गोल की बोल सकते हैं, ब्लैक पेपर बोल सकते हैं, उसको मैंने दरदरा से कूटा हुआ है तो उसको मैं डाल रही हूँ। और उसके ऊपर कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं क्योंकि ये टिफ़िन में जाएगा और टिफ़िन में कोई भी हम सब्ज़ी ऐड करेंगे तो वो मतलब थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं डाला और सब्ज़ियाँ वगैरह देने से गरम गरम खाना ही अच्छा रहता है। तो ये मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेंक लिया है घी देते हुए। तो एक तरफ सैंडविच तैयार हो रहे थे, यहाँ मैं मसाला की तैयारी कर रही हूँ और इधर सैंडविच हो चुका था। तो इसको निकाल के मैं जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा हुआ है तो उसी कढ़ाई में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और जो पनीर था उसको मैं हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी बिना फ्राई वाला भी अच्छा लगता है, कभी कभी फ्राई वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। सैंडविच बना हुआ था वो हल्का सा ठंडा हो चुका था तो यहाँ मैं कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद इसको टिफ़िन के लिए तैयार करते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है ना, इतना जल्दी जल्दी पार होता है, मतलब समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इधर मुझे चटनी भी बनानी थी तो जो सिंपल सा चटनी बनता है वही बनाऊँगी, धनिया टमाटर की। तो सबसे पहले सारा चीज़ को कट कर लेंगे उसके बाद बनाते हैं चटनी। तो सारा कुछ कट करने के बाद मैंने जार में दे दिया है। उसके बाद यहाँ स्वाद अनुसार नमक और सरसों ऑयल हाफ स्पून मैंने दिया है और इसको अच्छा से पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा था। और यहाँ मैंने बस एक ही ब्रेड दिया है इसको और ब्रेड के साथ चटनी। ये हमारा टिफ़िन बॉक्स तैयार है। तो इसका टिफ़िन तैयार हो गया था। उसको तैयार करने के बाद मैं उसको छोड़ के आ गई थी और आने के बाद सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ मैं मसाला भूनने के लिए रख दी हूँ क्योंकि भाई आया हुआ था तो उसको भी जल्दी जाना था तो सुबह ही उसको भी निकलना था तो मैं झटपट से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पनीर को डाल लिया है। पनीर को डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई कर देंगे। मैंने अक्सर मेरी हर वीडियो में बहुत सारी वीडियो है जो मैंने पनीर वाली डाली हुई है तो सिंपल सा क्या दिखाना। तो ये हमारी सब्ज़ी मैंने पानी डाल लिया है और मुझे ग्रेवी ही रखनी थी क्योंकि इसके साथ मुझे पूरियाँ बनानी है। तो यहाँ मैंने आटा और मैदा को मिक्स करके इक्वल मात्रा में लिया है और अजवाइन डाला हुआ है और मैं कभी भी पूरियाँ या रोटी में नमक नहीं डालती हूँ तो नमक ऐड नहीं किया है। वो बनाने के बाद अभी पूरियाँ बेलते हैं, उसके बाद गरम गरम पूरियाँ तलते हैं।
तो इधर हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है और गर्मा गर्म पूरियाँ भी निकल रही हैं। खाने के लिए देते हैं क्योंकि उसको जल्दी भी जाना है, क्योंकि ऐसे ही लेट हो जाता है, मतलब देव को छोड़ने के बाद कुछ देर तो रुकना पड़ता है, यदि हम जल्दी जाते हैं तो वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही मतलब लेट हो चुका था, तो सबसे पहले उसको खाने देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और डे को के लिए भी नाश्ता अलग सा बनाना था। तो यही था आज का नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट है वही था। तो सब्ज़ी के लिए मैंने जो पंचफोरन होता है, मैं पंचफोरन डालती हूँ हर सब्ज़ी में, या फिर जब नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में मैं सरसों या फिर जीरा का इस्तेमाल करती हूँ। तो आज लाए हुए थे तो आज मैंने सोचा कि नहीं, बना ही लेती हूँ, क्योंकि पंचफोरन का जो टेस्ट होता है ना सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा होता है। और अक्सर मैं पंचफोरन ही डालती हूँ क्योंकि हमारी जो भी सब्ज़ी होती है नो अनियन नो गार्लिक की होती है, नो अनियन नो गार्लिक की सब्ज़ी में पंचफोरन का टेस्ट बहुत ही आता है। कोई भी किसी भी सब्ज़ी का छोंका या फिर दाल का ही तड़का लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो शाम का टाइम था, देव को देखिए, थोड़ा सा मैंने इसका रिकॉर्ड किया है। ये इसका स्कूल में बनाने के लिए बोले हुए थे, तो एंजॉय कीजिए वो कैसा बनाता है, देखिए लास्ट तक। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो तो होती है 10 या फिर कम से कम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी ही बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और एंजॉय कीजिए देव की ड्राइंग, और कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।